हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल निकीज फैमिली व्लॉग। सो आज जो व्लॉग है तकरीबन 4 से 5 दिन बाद आया है। जाना पार्सल लेके आया दिल्ली से, वो खड़े हुए भैया 437 देख ली वहाँ पे जाके। तो हाँ, ये जो ब्लॉग है तकरीबन 4 से 5 दिन बाद आया है, क्योंकि मेरे माउथ अल्सर जो है वो मुझे बिल्कुल भी बोलने की इजाज़त नहीं दे रहे थे, और अब ठीक हो चुके हैं। और यदि मैं उस कंडीशन में ब्लॉग बनाकर डालती तो फ्रेंड्स को ऐसा लग रहा था कि लाइक मैं गुटखा खा के बोल रही हूँ, तो इसलिए सोचा बेटर है कि 4 से 5 दिन में मैं प्रॉपर ठीक हो जाऊँ, उसके बाद ब्लॉग बनाऊँ। सो आज बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में एंड तक, नई चीज़ों के साथ, नए लोगों के साथ आप देखेंगे बिल्कुल, क्योंकि शादी आने वाली है तो काफ़ी नए लोग घर में आ चुके हैं, हमारे अपने लोग आ चुके हैं, सो मिलिए आप उनसे भी। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में एंड तक। म्याऊ 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 म्याऊ। जो तरी है ना एकदम चक भन्नाट होनी चाहिए, ठीक है? चक भन्नाट होगी, चक भन्नाट तू तो आज हो जा थारे चक भन्नाट न ओवे बदे को टंकी भर थारे इन भरी है। हां तो अभी तो तू ऐसे भी नहीं कर सकता है, ये यहां से जरा लगा देंगे। अरे नहीं हाथ में लिए, अभी डालना भी मत, मेरे पास मोबाइल है इधर। पर उनके काकी साकी पुताई चल रही है, पहला काम आयो तो मुझे हमारे बैठ चुके हैं नहा के मस्त। मुझे आपकी नींद पूरी हो गई, क्यों मंदीप तेरा तो फास्ट नहीं है ना? 3 बार खाना खा के अब खिचड़ी, कितनी बार खाया? तो फ्रेंड्स अभी हम सभी लोग फलहार कर चुके थे, क्योंकि आज अष्टमी है तो हम सभी का उपवास था, और शाम को हमारे यहाँ अष्टमी पूजन होगा। भागो यहाँ से, जाओ। हाँ यार मेरे को शूट नहीं करने दे रहे। या करे नहीं रिंकी किचन साफ करे। लगे क्या लगे? वो क्या वो मारे क्या मैं? बुजी वो सही में मारता है। और पिछले 5-6 दिन से व्लॉग नहीं आया था, इस बीच में जो गांव में नर्मदा पुराण थी वो भी खत्म हो चुकी है, कल विसर्जन था, और रात को शोभा यात्रा निकली थी तकरीबन 7-8 बजे, लाइट चली गई थी गांव में, कुछ ऐसा सीन था, देखिए आप। रेड हो गया था पूरा, अरे मुझे तो स्वेलिंग हो गई थी। मंदीप ने बताया कि आइस क्यूब फेस पे लगाने से कुछ होता है, अब कुछ क्या होता है वो नहीं पता। मैंने बताया था। हाँ मैं लगा था, अच्छा हाँ मैंने लगा चुकी हूँ, निकालो इसमें से एक प्रियांक को याद करा। मम्मी इसे देखो तो निकाल लो इसमें से एक, अगर मेरे उसमें कुछ डाला ना फिर बता दूंगी मैं, मार दूंगी अंदर ही लगाना, अंदर का ही लगाऊंगी। देना ही निकाल के हाथ में, उनको लगा लिया। निकाल ले तू, निकाल ले हमसे, निकल रहा है, निकल तो गया। रिंकी के दांत के चक्कर में रिंकी को बोलना नहीं आता है कि नहीं, बच्चे की नहीं। वो निकल के आए थे, कुटे गए थे परसों, तुमको
धूप नहीं लग रही, धूप नहीं लग रही, अंदर आ जाओ। ए तन्वी को तो इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया है। ये है तन्वी, अवनी की सिस्टर, अवनी और बाबू की। बेटा अभी गर्मी चल रही, सब्जी बहुत ज्यादा महंगी हो गई है वैसे ही। तो अभी पापा और मैं दोनों जा रहे हैं खातेगांव मार्केट, कुछ सामान लाना है। हम पहुंच गए खातेगांव और ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है इंदौर से सामान आया था। एक्चुअली कल मैं, पापा और पिंकी तीनों इंदौर गए थे, तो बस अभी वही सामान या अनलोडिंग हो रहा है और वो जो ट्रैक्टर है उसमें लोड करवा रहे हैं। इस ट्रैक्टर में हो गया है सामान लोड। ट्रैक्टर का तो पापा ने जुगाड़ किया, एक्चुअली ये उसी रूट पे जाएगा, तो थोड़ा बहुत जो भी उनका बनेगा वो देके हम सामान घर डलवा देंगे। हैंडल भी वाले है ना, पूरा सामान है ना काका? हाँ 10 है। इससे पहले मेरी स्लीपर जल गई थी। तो आ चुके हैं मेरे पापा दोनों खाते गांव से और सामान लेके आ गए हैं, और अब गर्मी के चलते बड़ी प्यास लग रही है। कहाँ गई रिंकी? मीठा नहीं, मीठा नहीं। पहले कहता नहीं, मैं जब गया थी मैंने भी खड़ी ऐसी बना ली, मैंने देखी नहीं, आदि देखी। वो आगे पेड़ में भी नहीं है, पेड़ में तो ये पर ऊपर है बेटा, बहुत ऊपर है, देख ले बड़े का हाथ पूरे करके देख लेती हूँ, अगर हाथ पहुंच जाता है तो। ये ऐसे ऊपर झूल रहा है आदि, तू आना देख लेना अगर तोड़ दे तो, थोड़ा सा मीठा नीम। मैंने चढ़ के ये मीठा नीम तोड़ ही लिया है। आज अष्टमी है तो उसके चलते आज खाना जल्दी बनना है, तो मम्मी लग गए अपने काम से, खाना बना रहे, कढ़ी बनेगी, इसीलिए मैं मीठा नीम लेके आई थी अंशुमन के घर से। और क्या बनेगा मम्मी? हाँ दूध कढ़ी बनेगी, दूध कढ़ी जो कि दूध से बनती है ना मम्मी, पर खट्टी नहीं होती है। दोस्तों बाबू 3 दिन हो गए हैं और घर आया नहीं है, एक्चुअली उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं अभी जा रही हूँ उसको देखने के लिए। तो आइए चलते हैं, उसको देख कर आते हैं। बाबू ये तो यहाँ मस्ती कर रहा है, अन्नी मार ली है। और बाबू मैंने तो सुना, मैंने तो सुना तेरी तबीयत ठीक नहीं है। मत कर बाबू, मार दूंगी अब, मारा है तो ए, तू भी झाड़ू रखना कल। अरे कल हमारी अवनी का बर्थडे है ना अवनी, हाँ। तो पार्टी देगी अब, नाक में अंगली डाल रहे हैं, गंधा तड़का, लेट हो रहे हैं हम, जल्दी पहन। फिर ऐसा कि दोपहर में लोगों के सोने के बाद में ऐसा, तो आपको लगता है कि आवाज नहीं होगी? फिर भी बच्चे कितना चीखते चिल्लाते देख लेना, अगर ऐसा हो तो हाँ कोई बात नहीं, दोपहर में कर लेना है ना अवनी, दोपहर में। हम कर रहे हैं एक्चुअली अवनी के बर्थडे की प्लानिंग, बाबू को रखना है अवनी के बर्थडे से पूरी तरीके से दूर, क्योंकि उसको एलर्जी है, जैसे कि आपने पहले व्लॉग में देखा था, तो केक खाने से मतलब क्रीम खाने से उसको दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम प्लान कर रहे हैं कि उसका उधर हमारे घर पे सेलिब्रेट करेंगे या यहीं पे दोपहर में करेंगे, क्योंकि दोपहर में वो सो जाता है। अभी बाबू हो चुका है पूरी तरीके से रेडी। हाँ ये तेरा पानी इसमें कौन सी बोतल है? तेरी बोतल है इसमें, तेरा वाला गर्म पानी है। तो मेरे साथ बाबू और अवनी, हम तीनों जा रहे हैं मेरे घर पे, तेरी बोतल है बाबू, घर पे पी लेना ना, घर पे चल के। हाँ हाँ रुक रुक रुक, खोल रहे हैं, खोल रही हूँ ना, पी ले बस, हो गया, देख कितना सा पिया, एक घूट पिया कृष्णा जैसे। चलो, है ना? चलो 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 अम्मी चलो, बस चलो मिठाई भानु छिली मेरा बर्थडे की खा लो कल। ये देख बाबू आ गया, चलना है क्या घर पे? आ जा, नो तेरा काम है कि तुमको डेली रास्ते में मिलता है ना। बाबू तेरे दो दोस्त आए हैं, खिलौने हैं उस पैकेट में उसके, बाबू का दोस्त मारा है वो लिखिए, बड़ा है बाबू से बड़ा है। मम्मी को दे दे वो दूध
इनकी मस्ती शुरू हो गई अब। पानी डाल दिया। ए पानी मत गिराना। अबे आ इधर बाबू, डरे हो तुम? बाबू हाथ ले, हिम्मत आ रहा दादी। ये हिम्मत आ रहा भाई, देख लो बाबू डर गया। बाबू डर गया तो बाबू डर गया। वो बार बाबू सो रहा। हो उससे नहीं मारना है। आंटी जी आपका मीठा निम गया। अरे इसे हाथ मिला, खिलौने चाहिए कि नहीं? जब वो खिलौने देगी जा। हाथ मिला लो, दो हाथ मिलाओ। वो भी थोड़ी है, वो भी कर। देखो हाथ मिलाएगा, देखिए दोनों दोस्ती करते। मारना नहीं है, ये मार रही है। तू भी कर रहा है। डरे वो भी चल। हाथ मिला, हाथ मिला। ए तू भी हाथ मिला रे, हाथ मत उठाए, नहीं तो हाथ बांध। हाथ मिला ले, बाबू बहुत डर। हाथ यूं तो हाँ, बाबू डरपोक के। ओ हो बाबू आपको कौन लगा? इन्हें गुस्सा आ रहा है बाबू को। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा है कि कैसे इन लोगों का बच्चों का मलयुद्ध चल रहा था, और अब डेली ऐसे ही चलेगा क्योंकि काफी पलटन इकट्ठी हो रही है शादी में धीरे धीरे। ये जो छोटा बच्चा था ये मोनू की मामा की फैमिली से है, तो वो लोग आ चुके हैं, अभी कल ही आए। हाँ, तो बाकी लोगों से भी मैं आपको धीरे धीरे मिलवाती हूँ। फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर में पूजा होगी, जिसको कि किसी को भी देखना अलाउ नहीं है, किसी को भी, इन द सेंस कि हमारी फैमिली से बाहर के लोग, जैसे कि जो गेस्ट आए हैं अभी शादी में, वो भी इवन नहीं देख पाएंगे। ना ही उनको नैवेद्य मिलेगा और ना ही प्रसाद, मतलब उनका अलग और हमारा अलग। तो बस अब थोड़ी देर में पूजा के बाद हम सब लोग खाना खाएंगे, और स्पेशल आज तो दूध कड़ी बनी है, वो सिर्फ साल में दो ही बार बनती है, मतलब इस अष्टमी पे और एक उधर जब दिवाली के टाइम पे जो अष्टमी होती है उस पे, बस उसके अलावा ये कभी नहीं बनती है। अष्टमी की पूजा के बाद अब सब लोग खाना खा रहे, बनी आज कड़ी और दूध कड़ी और रोटी। दूध और कड़ी को मिक्स करके बनती है दूध कड़ी। कड़ी मिक्स हो गई नहीं, दूध में आटा मिक्स हो गया। वीडियो करें यार, आटा मिक्स हो गया दूध कड़ी। शूट पिंकी भी आज पहली बार लिखेगी राम नाम। हाँ, मैंने भी लिखा है। दोस्तों, फिलहाल मैं जो अपना डेली रूटीन का काम है राम राम लिखने का, वो कर चुकी हूँ, और बच चुके हैं 10:30, तो मुझे करना है ब्लॉग एडिटिंग ताकि आप देख पाएंगे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में नई चीजों के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए।